दोस्तों अर्ली फाइनेंशियल आजादी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। तीन रेलवे पीएसयू कंपनीज के बारे में बात करेंगे, उनके डिविडेंड के बारे में बात करेंगे, फाइनल डिविडेंड की इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल्स आ चुकी है। इनफैक्ट जो तीन कंपनियां जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है राइट्स, इरकॉन और IRFC। तो शुरुआत हम लोग करते हैं राइट्स के साथ दोस्तों। तो राइट्स का फाइनल डिविडेंड 6-6 रुपए का उनका फाइनल डिविडेंड यहां पर हो रहा है और इंपॉर्टेंट डेट कौन सा है, सितंबर 8 एक्स डिविडेंड डेट है और AGM मतलब एनुअल जनरल मीटिंग सितंबर 15 को होगा। देखिए अभी मैक्सिमम जो रिजल्ट्स आए हैं, फाइनल रिजल्ट्स अप्रैल मई के महीने में आ गए हैं, रिजल्ट के समय में हमको डिविडेंड पता चल गया था। जैसे राइट्स के केस में 6 रुपीज का डिविडेंड हमको पता चल गया था, 6 रुपीज का डिविडेंड है, लेकिन ऑलमोस्ट 3 महीने से ज्यादा यहां पर हो चुका है। तो जनरली कंपनी, बहुत सारी कंपनियों का ऐसा ये प्रोसेस रहता ही है कि बाद में उनकी डेट्स आती है जो रिकॉर्ड डेट है और रिकॉर्ड डेट के बाद में एनुअल जनरल मीटिंग होती है और एनुअल जनरल मीटिंग में ये ऑफिशियली डिविडेंड डिक्लेयर होता है और उसके 30 डेज के अंदर में पेमेंट हो जाता है। तो कुछ कंपनियां स्पेसिफाई भी कर देती है कि हम कितना डिविडेंड पे करने वाले हैं, जैसे यहां पर स्पेसिफाई उन्होंने नहीं किया है, तो उन्होंने ये कहा है कि सितंबर 15 AGM है, तो हम ये अजम्पशन रख सकते हैं कि सितंबर 15 के 30 डेज के अंदर में पेमेंट हो जाएगा। अब ये प्रोसेस कभी कभी इतना लेट भी हो जाता है तो कंपनी है उसके क्वार्टरली रिजल्ट, जो क्वार्टर वन के जो रिजल्ट आए हैं उस समय में एक इंटरिम डिविडेंड भी आ जाता है, जो कि राइट्स के केस में अभी हो रहा है। राइट्स की अगर हम बात करेंगे, अभी 7 अगस्त को क्वार्टर वन उस समय में रिजल्ट आए थे क्वार्टर वन के, और उस समय में 3.75 रुपीज का डिविडेंड भी उन्होंने जो था डिक्लेयर कर दिया था। तो ये जनरली रहता है, तो ये जैसे हम राइट्स के केस में हम लोग ये चीज देख पा रहे हैं। बट टोटल पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो जैसे अभी 8 सितंबर में 6 रुपीज का डिविडेंड है, उसके अलावा भी राइट्स का डिविडेंड आया है, तो टोटल पूरे फाइनेंशियल ईयर में 20.50 रुपीज का डिविडेंड आया है। ठीक है, अब अगर मैं डिविडेंड यील्ड को कैलकुलेट करता हूं, फिलहाल जो राइट्स का शेयर प्राइस है कुछ 467 के पास में है, तो डिविडेंड यील्ड लगभग 4.4% के डिविडेंड यील्ड राइट्स के केस में हो रही है। अब राइट्स का अभी तो चलिए 467 का शेयर प्राइस है, लेकिन लास्ट वन ईयर की मैं बात करूं तो 279 से 510 के बीच में शेयर प्राइस रहा है। अब सिर्फ अगर मैं लास्ट वन ईयर की बात करता हूं तो कोई भी इन्वेस्टर का जो भी बाइंग प्राइस होगा उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि उनकी क्या डिविडेंड यील्ड आती है। समझ लीजिए 300 की बाइंग प्राइस है तो उनके लिए हो सकता है डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा हो जाए 6.8%। इनफैक्ट किसी इन्वेस्टर ने सोच लीजिए, और भी जैसे 510 था, कोई 500 के लेवल पर है तो उनके लिए हो सकता है डिविडेंड यील्ड कम भी हो जाए। तो ये बाइंग प्राइस को बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये एक चीज रही 20.50 रुपीज का डिविडेंड, ये पहली चीज। अब हम इससे पहले जो फाइनेंशियल ईयर था उसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब फाइनेंशियल ईयर 22 मतलब अप्रैल 2021 से मार्च 2022 ये जो फाइनेंशियल ईयर था, उस समय में भी राइट्स के द्वारा 4 बार डिविडेंड आया था। तो ये भी हमको पता चल रहा है कि कंसिस्टेंट उनका डिविडेंड आ रहा है और रेगुलर क्वार्टरली डिविडेंड आ रहा है। तो वो डिविडेंड को अगर आप देखते हैं तो टोटल 17 रुपीज का उनका डिविडेंड हो रहा है। तो 17 रुपीज से 20.50 रुपीज डिविडेंड यहां पर इंक्रीज हुआ है जब हम राइट्स की बात कर रहे हैं। अब एक और मैं नया डिविडेंड का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो है डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है, समझ लीजिए कंपनी ने 100 रुपीज का प्रॉफिट किया है, तो 100 रुपीज के प्रॉफिट में कंपनी ने कितना डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये होता है डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो ये 92% है, जो कि बहुत ही मजबूत माना जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं कि राइट्स अपना जो प्रॉफिट जो कर रही है, तो ऑलमोस्ट अपना प्रॉफिट एज ए डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स के साथ यहां शेयर कर रही है। तो एक चीज तो हमको बिल्कुल डेटा से पता चल रहा है कि उनका डिविडेंड पे आउट रेशियो बहुत है। अब डिविडेंड पे आउट रेशियो भी बहुत डिपेंड करेगा किस पर, प्रॉफिट्स पर। अब प्रॉफिट्स अगर उनके स्टेडीली बढ़ते रहे तो फिर हो सकता है कि डिविडेंड भी यहां पर इंक्रीज होता रहे। तो पहला कंपनी राइट्स 6 रुपीज का फाइनल डिविडेंड और सितंबर 8 उनका एक्स डिविडेंड डेट होने वाला है। दूसरा नाम है रेलवे कंपनी इरकॉन। इरकॉन का फाइनल डिविडेंड है 1.20 रुपीज और इरकॉन का एक्स डिविडेंड डेट क्या है, सितंबर 5। अब एक्स डिविडेंड डेट को भी मैं समझा दूं, इस दिन जो भी कंपनी का शेयर जो है वो डिविडेंड के बिना ट्रेड होगा। मतलब अगर उस दिन अगर आप देखेंगे जो भी शेयर प्राइस, कोई भी कंपनी, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इरकॉन की बात है, कोई भी कंपनी का अगर आप देखेंगे तो डिविडेंड एडजस्टमेंट हो चुका होता है। सितंबर 5 को फॉर एग्जांपल मैं इरकॉन का, फॉर एग्जांपल मैं शेयर खरीदता हूं तो मुझे डिविडेंड नहीं मिलेगा, लेकिन यस सितंबर 4 या जो भी उससे पहले ट्रेडिंग डेट होगा उससे पहले अगर हम खरीदते हैं इरकॉन का शेयर तो हमको डिविडेंड मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट को उस तरीके से समझना है। और कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर सोचते हैं कि हम 2 दिन पहले हम शेयर ले लेंगे और जिस दिन एक्स डेट होगा या रिकॉर्ड डेट होगा उस दिन हम बेच लेंगे, तो वो स्ट्रेटेजी काम नहीं करती, क्योंकि ऑलरेडी जो शेयर प्राइस जो है वो कम हो गया रहता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल भी बताता हूं, जैसे रेलटेल करके कंपनी है, अगेन ये भी एक रेलवे की कंपनी है, आप यहां पर देखेंगे रेलटेल का 1.05 रुपीज 24 अगस्त एक्स डिविडेंड डेट थी। ठीक है, तो
तो आप ये देखिए 23 अगस्त को उनका क्लोजिंग प्राइस क्या था, 168.1। लेकिन चूंकि नेक्स्ट डेट जो थी वो एग्जीबिशन डेट थी जो 24 अगस्त है, तो नेक्स्ट दिन शेयर प्राइस आप देख सकते हैं 1.05 रुपीज करके कम में ही ये ओपन हुआ है, ये एडजस्ट होके 167.05 में ये एडजस्ट हुआ है। तो इसीलिए अगर आप 2-3 दिन पहले अगर आप शेयर लेते हैं और रिकॉर्ड डेट के दिन अगर आप बेचने का सोचते हैं कि आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, तो वैसा नहीं होता है, शेयर प्राइस ऑलरेडी एडजस्ट हो गया होता है। अब इरकॉन की जब हम बात कर रहे हैं, 1.20 रुपीज तो अभी का डिविडेंड है, इससे पहले फरवरी में एक डिविडेंड और आया था 1.80 रुपीज, तो टोटल पूरे फाइनेंशियल ईयर में 3 रुपीज का डिविडेंड हो रहा है। तो टोटल अभी अगर आप शेयर प्राइस देखेंगे तो 110 का शेयर प्राइस है, तो 110 का शेयर प्राइस के हिसाब से अगर आप डिविडेंड यील्ड बाहर करते हैं तो कुछ 2.7% का डिविडेंड यील्ड बाहर हो रहा है, जो कि पिछले साल से बहुत ही अच्छा है। पिछले साल 1.35 रुपीज का डिविडेंड था, तो डिविडेंड एक्चुअली में बढ़ा है। डिविडेंड पे आउट अगर मैं देखूंगा तो ये 36% है। अगेन 36% मतलब क्या कि अगर कंपनी ने 100 रुपीज का प्रॉफिट किया है तो कंपनी ने 36 रुपीज डिविडेंड यहां पर जो है अपने शेयर होल्डर्स के साथ इन्वेस्ट किया है। अब सब कंपनियों के अलग अलग पॉलिसीज होती हैं, किसी कंपनी का डिविडेंड पे आउट ज्यादा भी होता है कम होता है, ये हर कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो डिसाइड करते हैं। अब जो पीएसयू कंपनीज होती हैं, जैसे आज हम रेलवे कंपनीज की बात कर रहे हैं, सब पीएसयू कंपनीज होती है। पीएसयू कंपनीज में एक रूल जैसा आप मान सकते हैं, जो डीपम जो है उनकी गाइडलाइंस ऐसा होता है कि एटलीस्ट आप जो भी प्रॉफिट करेंगे, एटलीस्ट 30% प्रॉफिट या आपका 5% जो नेटवर्थ है, दोनों में से जो भी, एटलीस्ट उतना तो डिविडेंड आना ही चाहिए। तो ये एक तरीके से गाइडलाइंस जैसा आप मान सकते हैं। तो आपने यहां देखा 36% है, अपने गाइडलाइंस के अंदर ही होता है यहां पर जब हम बात कर रहे हैं इरकॉन की। अब इरकॉन का शेयर प्राइस पिछले 1 ईयर में 38.6, मतलब समझ लीजिए 40 रुपीज से इस लेवल पर ऑलमोस्ट, अभी तो 52 वीक हाई में ही अभी हमको दिख रहा है। तो फॉर एग्जांपल जस्ट मैं एक रैंडम नंबर लेता हूं, 50 रुपीज में किसी इन्वेस्टर के पास में है तो 3 रुपीज का डिविडेंड, मतलब 6% की डिविडेंड यील्ड उनके लिए हो रही है। तीसरा और आखिरी नाम IRFC। लेकिन उससे जाने से पहले दोस्तों, आप हमारे लर्निंग ग्रुप जो कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां पर हम पैसिव इनकम, डिविडेंड इनकम, पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस एनालिसिस पर फोकस करते हैं। ये एक वाइब्रेंट ग्रुप है, 3400 से ज्यादा मेंबर्स इस ग्रुप में है, जहां पर हम लर्निंग पर फोकस करते हैं और पैसिव इनकम और डिविडेंड पर हमारा यहां पर लर्निंग रहती है, और भी जो दूसरी पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस रिलेटेड लर्निंग भी यहां पर होती रहती है। मुझे उम्मीद है इस ग्रुप से भी आपको वैल्यू, मदद जरूर मिलेगी दोस्तों। अब IRFC के डिविडेंड की बात करते हैं, तो IRFC का फाइनल डिविडेंड है 70 पैसा, यस 70 पैसा का उनका फाइनल डिविडेंड है, और सितंबर 15 एक्स डिविडेंड डेट है, और AGM उनका होने वाला है, क्योंकि फाइनल डिविडेंड है, ठीक है, तो एनुअल जनरल मीटिंग उनका होने वाला है सितंबर 22, तो जो पेमेंट है जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर्स को 30 डेज के अंदर में हो जाएगा, मतलब सितंबर 22 से अक्टूबर 22 के बीच में। तो उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि किस दिन उनका जो भी पेमेंट है वो यहां पर होगा। अगर हम डिविडेंड एनालाइज करते हैं तो 70 पैसा का तो अभी का डिविडेंड है। अब लास्ट ईयर नवंबर में एक और डिविडेंड उनका आया था 80 पैसे का, तो टोटल फाइनेंशियल ईयर में 1.50 रुपीज का डिविडेंड। अभी आप शेयर प्राइस देखेंगे लगभग 49 रुपीज के आसपास में शेयर प्राइस है, तो डिविडेंड यील्ड अभी के शेयर प्राइस में क्या हो रहा है, कुछ 3.1% का हो रहा है। लास्ट ईयर 1.4 का डिविडेंड था, तो थोड़ा सा मार्जिनली यहां पर डिविडेंड भी इंक्रीज हुआ है। लेकिन जैसे इरकॉन का केस है या फिर रेलवे स्टॉक्स जो है हमको लास्ट ईयर बहुत ही बढ़ते हुए नजर में आए हैं, IRFC में भी आप देखिए लास्ट ईयर लगभग 20.6 से 52, अभी भी ये भी 52 वीक हाई के आसपास ही है। तो समझ लीजिए कोई इन्वेस्टर का, अगेन एज एन एग्जांपल कि सोच लीजिए 26 का उनका से बाइंग प्राइस है, तो उनके डिविडेंड यील्ड यहां पर बढ़ जाएगी। तो डिविडेंड यील्ड, अगेन मैं वही बोलता हूं कि डिविडेंड यील्ड बहुत डिपेंड करती है इन्वेस्टर की बाइंग प्राइस के ऊपर। अब जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर होते हैं, शेयर का प्राइस बढ़ा होता है, उन्होंने कम प्राइस में लिया होता है, तो उनको दो तरीके से फायदे होते हैं, एक तो उनका कैपिटल एप्रिसिएशन भी होता है और उनका जो डिविडेंड यील्ड भी जो है उनके लिए ज्यादा हो जाता है। अभी 49 में डिविडेंड यील्ड अगर आप देखेंगे, राइट, अभी 49 रुपीज में डिविडेंड यील्ड कुछ 3.1% है, बट यही डिविडेंड यील्ड 26 में 5.8% हो जा रही है। और मजे की बात, इंटरेस्टिंग बात, डिविडेंड पे आउट भी बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है, डिविडेंड जो यील्ड है 26 के भाव में बहुत ज्यादा लग रही हो, इनफैक्ट 49 के भी भाव में लगभग 3% डिविडेंड यील्ड मजबूत लग रही हो, लेकिन पे आउट बहुत कम है, 30% है, जो कि मिनिमम जो थ्रेशोल्ड जो रखा है जो दीपम की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से। तो यहां पर हमने 3 रेलवे कंपनीज को डिस्कस किया जिनके डिविडेंड आ रहे हैं, सितंबर के महीने बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है तीनों ही कंपनियों के लिए। सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करके रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी, मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। हम पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस एनालिसिस रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप को भी दोस्तों आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद आपके टाइम के लिए, थैंक यू दोस्तों।